ये हमारी फिजिक्स का जो यूनिट एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर, उसकी रिवीजन क्लास है। ठीक है, तो जो अगर हम जेई का सिलेबस देखें तो ये एसआई यूनिट से शुरू होती है। साथ हमारे फंडामेंटल एसआई यूनिट्स हैं, उनके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, उनके बारे में हम लोग टेबल से देख लेंगे। उसके अलावा फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव यूनिट कैसे निकलती है ये मैं नहीं बता रहा हूँ। देखिए फंडा भैया, अगर मान लो लेंथ की यूनिट मीटर है और टाइम की सेकंड है, तो वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ऐसे अलग अलग यूनिट निकालते हैं, ये सबको पता होता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। मेजरमेंट में हमने दो टॉपिक दिए, एक दिया मेजरमेंट ऑफ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस एंड दूसरा दिया मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। तो लॉन्ग डिस्टेंस में बेसिकली कंसेप्ट है पैरालेक्स का। ठीक है, तो पैरालेक्स हम लोग दो तरीके से निकालते हैं। लिटरली क्या करते हैं कि मान लो जैसे मैं अर्थ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मान लो मैं अर्थ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और ये कोई जगह है, मान लो दिल्ली, ये जगह है कैलकटा, ठीक है, कोलकाता हो गया, इसलिए के से लिख देते हैं। ठीक है, तो मुझे इन दोनों चीजों के बीच का जो डिस्टेंस है वो पता होता है। ठीक है, और मान लो मेरे पास कोई चीज है जो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत दूर है। टिपिकली हम लोग कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, और मान लो मेरे पास ये मून है। ठीक है, हाँ, तो हम क्या करेंगे, दिल्ली से मून और इस डिस्टेंट स्टार के बीच में क्या एंगल है, ये एंगल निकाल लेंगे। कैलकटा से मून का ये वाला कोना और इस डिस्टेंट स्टार में क्या एंगल है वो निकालेंगे। डिस्टेंट स्टार बहुत दूर है, इसलिए तकरीबन तकरीबन क्या हो जाएगा, हम लोग ये अज्यूम कर लेंगे कि ये दोनों रे आपस में पैरेलल हैं। तो अगर ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है, तो ये छोटा सा एंगल जो हो जाएगा ये बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू, मालूम है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड कोलकाता अपॉन ये भी जो डिस्टेंस स्मॉल डी है, जो कि अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस है। इस तरीके से हम लोग पैरालेक्स यूज करके लॉन्ग डिस्टेंस निकाल देंगे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मुझे पता होगा, ये करीब मान लो 1500 किलोमीटर के ऑर्डर का है। ये एंगल में रेडियन से लूंगा, ये बात जरूरी है, और यहां से डी की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, अब एनसीईआरटी में जो सवाल दिए हैं उनमें दो तरह के सवाल दे रखे हैं। एक तो अगर ये छोटा एंगल हो तो हम लोग थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस यूज कर लेंगे। ठीक है, और दूसरा इस तरह का सवाल दे रखा है कि जैसे मान लो कोई पॉइंट ए हो, ये कोई पॉइंट बी हो, और ये दूसरा पॉइंट सी हो, और ये किसी दूर वाली चीज के रिस्पेक्ट में जिनका पैरेलेक्टिक एंगल है ये बड़ा हो जाए, मान लो 30 डिग्री हो जाए, तो 30 डिग्री के एंगल से हम लोग थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस नहीं यूज करेंगे, तो हम लोग टैन थीटा यूज कर लेंगे। मतलब अगर ये सेपरेशन एक्स है और ये डिस्टेंस डी है, तो हम लोग एक्स अपॉन डी इज इक्वल टू थीटा ना लिख करके एक्स अपॉन डी इज इक्वल टू टैन थीटा ले लेंगे, उससे काम चला देंगे। ठीक है, ये बातें उन्होंने कर ली। दूसरा जो टॉपिक उन्होंने यहां पर दे रखा है वो मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस दे रखा है। तो एक एक्सपेरिमेंट करके ये बता रहे हैं कि किस तरीके से ये बुक में जो एग्जाम्पल दिया है वो ओली के एसिड के मॉलिक्यूल की थिकनेस निकालने के बारे में बता रखा है, यानी कि लेंथ कितनी होती है। तो इशू ये है कि इन्होंने कहा कि मान लो मेरे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब ओली का एसिड हो, और यार ओली की स्पेलिंग आई थिंक ये जो भी है, ठीक है, इसको 20, इसको एल्कोहल ऐड करके 20 सेंटीमीटर क्यूब कर लिया, इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन लिया और एल्कोहल ऐड करके फिर से 20 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन में ये वाला जो सोल्यूशन था, इसमें ओलिक एसिड कंसेंट्रेशन 1/20 था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और इसमें ओलिक एसिड कंसेंट्रेशन 1/400 हो गया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, मतलब कि एक यूनिट इस सोल्यूशन में 1/400 यूनिट ओलिक एसिड है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बीकर जैसी चीज ले लेंगे, सॉरी एक ब्यूरेट जैसी चीज ले लेंगे और एक ट्रफ ले लेंगे, बड़ी सी चीज, इसमें पानी भर के ड्रॉप बाय ड्रॉप ओलिक एसिड गिराएंगे। ठीक है, तो एक तो काम क्या कर देंगे, मान लो मैंने 1000 ड्रॉप गिराई और उसकी वॉल्यूम मेजर कर ली, तो उससे मैं मुझे पता चल जाएगा कि एक ड्रॉप का वॉल्यूम मान लो वी है, तो अगर मैंने यहां पर एन ड्रॉप्स गिराई तो वास्तव में मैंने एन वी जो भी सेंटीमीटर क्यूब, ये वी सेंटीमीटर क्यूब मान लो ले, एन वी सेंटीमीटर क्यूब इतना सल्यूशन गिराया। इस सॉल्यूशन में एन वी अपॉन 400, जो बुक वाला एग्जाम्पल उसके हिसाब से 400 हो जाएगा,
अदरवाइज मान लो अगर तुमने 20-20 या 30-30 लिया होगा तो एनबी अपॉन 900 हो जाता। उस तरीके से एनबी अपॉन 900 सेंटीमीटर क्यूब ये मेरा ओलिक एसिड का वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब ओलिक एसिड की ब्यूटी क्या है कि ये मोनोलेयर फॉर्म कर लेता है, चूंकि ये इसका एक एंड हाइड्रोफिलिक एक एंड हाइड्रोफोबिक है तो ये ऐसे जाकर के इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोफिलिक एंड जो है वो पानी के अंदर डूब जाएगा। तो अगर मैं इसको यहां टॉप से देखूंगा तो मुझे ऐसा दिखाई देगा जैसे ट्रफ में ऐसे एक ओलिक एसिड का पैच बना हुआ है। ठीक है, अब अगर हम जैसे बुक में जो सवाल है उसमें इसका एरिया निकाल लेंगे किसी तरीके से। अब अगर इसका एरिया ए है और मॉलिक्यूल की जो थिकनेस है वो टी है तो यहां से कह दिया ए इंटू टी इक्वल टू एनवी अपॉन 400। तो ये वॉल्यूम मुझे पता ही है, एरिया तो बड़ा डिस्टेंस है इसलिए मैं मेजर कर सकता हूं, तो इस एरिया को डिनोमिनेटर में लेकर चले जाएंगे तो मेरी थिकनेस आ जाएगी। इस तरीके से हम लोग जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो मोनोलेयर बना सकते हैं उनकी थिकनेस निकाल सकते हैं। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज इस तरीके से उन्होंने डायरेक्टली मेजर कर लिया, क्योंकि जो भी ये एनवी अपॉन 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड था वो अगर ए एरिया में फैला तो जो उसके मॉलिक्यूल की थिकनेस होगी वो इस टी के ऑर्डर की होगी। तो हमको ये निकल करके आ जाएगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं ये फ्यू नैनोमीटर्स मतलब एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर के ऑर्डर के होते हैं। ठीक है, ये एक सवाल हो गया। उसके बाद उन्होंने बताया कि रेंजेस क्या है लेंथ की। ठीक है, तो एक मिनट बंद कर दूं इसको साइड में। ठीक है ना, तो लार्ज डिस्टेंसेस के लिए उन्होंने दो यूनिट्स बताई, एक है लाइट ईयर जो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वन ईयर है, तो बेसिकली ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड × 60 × 60 × 24 × 365.5 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ये लाइट ईयर है। दूसरी एक यूनिट है पारसेक, पारसेक का मतलब होता है पैरालेक्टिक सेकेंड, तो हमें मालूम है कि एक एंगल मेजर करने की यूनिट है डिग्री और 1 degree = 60 minutes होता है और 1 minute = 60 seconds होता है। तो बेसिकली जो एक सेकेंड एंगल की यूनिट है वो 1/3600 ऑफ अ डिग्री है। ठीक है, तो अब अगर पैरालिप्टिक सेकेंड के बारे में बताएं तो पार्सेक वो डिस्टेंस है जहां पे सन और अर्थ के बीच की दूरी जो कि हमको पता है कि करीब करीब 15 करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे जो भी 15 करोड़ किलोमीटर है, ये जो एंगल सबटेंड करती है वो 1 second है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 second को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 second हो जाएगा 1/3600 degrees विच इज इक्वल टू इंटू π/180 radian। This is equal to जो भी ये नंबर है 15 × crore का मतलब हो गया 10⁷ और मीटर में कन्वर्ट कर लें तो × 10⁻¹¹ d। ठीक है, तो 1 second is equal to 1/3600 × π × 180 radian is equal to r/radius। वहां से जो डिस्टेंस है ये आ जाएगा, ये 1 parallactic second होगा। ठीक है, स्मॉल डिस्टेंसेस में हमको पता ही है कि एटम का साइज एंगस्ट्रॉम लेवल का होता है जो कि 10⁻¹⁰ मीटर है और उससे भी छोटा न्यूक्लियस होता है जो कि फेमटोमीटर लेवल या फर्मी का होता है जो कि 10⁻¹⁵ मीटर है। तो ये छोटे और बड़े डिस्टेंसेस की अंदाजा दे रहे हैं। हालांकि डिस्टेंसेज में हमें मालूम है कि 1 parsec भी कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस तो जितना चाहो उतना खींच सकते हैं बिकॉज यूनिवर्स एक तरह से एटलीस्ट हमारी जानकारी के हिसाब से इनफाइनाइट है, मतलब जहां तक हम देख पाए वहां तक यूनिवर्स खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो यूनिवर्स की अपर लिमिट को दे पाना अभी हमारे एबिलिटी के बाहर है। दूसरी बात क्या हो गई, उन्होंने बताया कि मेजरमेंट ऑफ मास के बारे में बताया जिसमें छोटी यूनिट में उन्होंने एएमयू बता दिया, हालांकि उससे भी छोटी यूनिट है हमारा इलेक्ट्रॉन का मास क्योंकि वो एएमयू से भी काफी छोटा होता है। ठीक है, और लार्ज यूनिट में उन्होंने इस तरह की बात कर ली कि सोलर सिस्टम का मास है, यूनिवर्स का मास, गैलेक्सी का मास, यूनिवर्स का मास, वो लार्ज यूनिट में आ गया। ठीक है, उसके बारे में देख लेना, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे टाइम मेजरमेंट की बात जब इन्होंने करी तो इन्होंने एक बात बताई एटॉमिक क्लॉक की। एटॉमिक क्लॉक क्या होती है, बेसिकली तुम्हें मालूम है आप जो कि बच्चे पढ़ चुके हैं, हम रिविजन क्लास की तरफ ले रहे हैं कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि हाइड्रोजन एटम में
अगर एक लेवल से दूसरे लेवल तक इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वो एक रेडिएशन एमिट करता है, और उस रेडिएशन की एक वेल डिफाइंड फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसी तरीके से एटॉमिक क्लॉक्स क्या होती हैं, जैसे जो हम लोग जो स्टैंडर्ड एटॉमिक क्लॉक यूज करते हैं, वो सीजियम एटम को लेकर के एक सीजियम एटॉमिक क्लॉक है। तो इसमें कोई दो एनर्जी लेवल होंगे, जब इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप करेगा तो इसमें से रेडिएशन निकलेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी वेल डिफाइंड होगी, ठीक है ना, न्यू बार में न्यू होगी, फ्रीक्वेंसी वेल डिफाइंड होगी, और इससे इस वेव का एक टाइम पीरियड टी वेल डिफाइंड होगा, ठीक है। तो हम टाइम को नंबर ऑफ टाइम पीरियड के टर्म में डिफाइन कर लेंगे, तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद है, बट 1 सेकेंड इज इक्वल टू समथिंग टी टाइप का नंबर आ जाता है, जहां पर कोई बहुत बड़ा नंबर होता है, मतलब कि सीजियम क्लॉक के इतने ऑसिलेशन बराबर 1 सेकेंड, ठीक है। तो वो उतने ऑसिलेशन है, और एक्चुअली वहां से निकलने वाले रेडिएशन के उतनी नंबर ऑफ साइकिल है, तो टाइम पीरियड को से मल्टीप्लाई करके वैसे सेकेंड डिफाइन कर देंगे। तो यानी कि हम लोग जो एटॉमिक ट्रांजिशन है उनके बीच में एक उसकी एक साइकिल में चलने वाले टाइम को भी मेजर कर सकते हैं हम लोग, इतना इतना छोटा टाइम मेजर कर सकते, ठीक है। उसके बाद फिर जो लार्ज लिमिट ऑफ द टाइम है वो तो बेसिकली करीब करीब जो एज ऑफ यूनिवर्स है, यानी कि बिग बैंग थ्योरी से जो बिग बैंग से अभी तक का टाइम है वो लार्ज लिमिट में आ गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या कहते हैं कि वर्ल्ड लिख दी लीस्ट काउंट, ठीक है। तो लीस्ट काउंट के दो पहलू हैं, ठीक है, एक मैं यहां पे बता रहा हूं, दूसरा इस क्लास में नहीं बता रहा हूं। तो लीस्ट काउंट का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं कपड़ा खरीदने गया तो मीटर वाली स्केल है जो कपड़े के दुकानदार रखते हैं, उसमें यहां पे 0 बना हुआ है, फिर 1 सेंटीमीटर बना हुआ है, 2 सेंटीमीटर बना है, तो इसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यानी कि मान लो मैं कहीं से कपड़ा खरीदूंगा तो भाई आपका 75 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा या आपने 85 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा, 84 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। उसके बाद जैसे हमारे पास जो ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होती है उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर हो गया, या वर्नियर कैलिपर हो गया तो और अच्छा लीस्ट मतलब और छोटा लीस्ट काउंट हो गया, स्क्रू गेज हो गया तो और छोटा लीस्ट काउंट हो गया। अब यहां पर ढंग से मुझे वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन मैं इस क्लास में इसलिए नहीं कर रहा हूं बिकॉज हम लोगों का एक दूसरा टॉपिक होगा एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, उसमें हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट इशू यह है कि लीस्ट काउंट क्या है कि मेरा जो मेजरिंग इक्विपमेंट है वो छोटे से छोटा कितना यूनिट मेजर कर सकता है, और जैसे यहां पर मैं लेंस की बात कर रहा हूं वैसे मास में हो सकता है, वैसे टाइम में, ठीक है। तो उसके बारे में बात नहीं कर रहे। दूसरा इन्होंने दो शब्द बताया, एक्यूरेसी और प्रेसिशन। तो एक्यूरेसी शब्द का मतलब है कि जो रियल मेजरमेंट है उसके कितने करीब मैं मेजर कर रहा हूं, ठीक है। और प्रेसिशन का मतलब क्या है कि कितना छोटे से छोटी वैल्यू मेजर कर रहा हूं। अब ये बात क्या कहते हैं, डिफाइन करने से ज्यादा अच्छा है, तो किताब में डेफिनेशन लिखी आप पढ़ भी सकते हो, बुक में जो एग्जाम्पल लिखा है वो एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इन्होंने बुक में क्या एग्जाम्पल दिया, मान लो मैं रोज 12 PM पे टाइम नोट करूं, ठीक है, और मेरे पास एक घड़ी है ए जिसका कभी टाइम होता है 12:01:03, कभी टाइम होता है 11:58:13, दूसरा टाइम होता है किसी और दिन मान लेते हैं 3 यूनिट ले लेते बाकी ज्यादा देते हैं, तीसरा टाइम टाइम होगा 12:02:07, ठीक है। और ये दूसरी घड़ी है जब 12 बज रहे हैं तो इसका टाइम है 10:59:59, अगले दिन क्या टाइम हुआ 11:00:01, अगले दिन टाइम हुआ 11:00:03। तो इस घड़ी को देखिए, तो ये घड़ी कतई एक्यूरेट नहीं है क्योंकि जब 12 बज रहे थे टाइम 11 दिखा रही थी, लेकिन ये ज्यादा प्रिसाइज है बिकॉज हर 24 घंटे में ये 24 ही घंटे चलती है, ठीक है, मोर ऑफ लेस, यानी कि यहां पे वेरिएशन है वो 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड पर आवर के हैं, जबकि ये वाली घड़ी जो है ये एक्यूरेट तो ज्यादा है दोनों की कंपैरिजन में। तो पहले बताऊं एक्यूरेट और प्रेसिशन की एब्सोल्यूट सेंस में बात नहीं करेंगे, चीजों को कंपेयर करेंगे, ये ज्यादा
एक्यूरेट है, क्योंकि जब 12 बजा है तो 12 बजे के आसपास का टाइम निकाल रही है, लेकिन ये प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि कभी एक मिनट आगे भाग जाती है, कभी दो मिनट आगे भाग जाती है, कभी दो मिनट पीछे चली जाती है। ठीक है, तो ये अंतर है एक्यूरेसी और प्रिसिशन। ठीक है, तो सपोज करो क्या कहते हैं, मेरी क्लास 12 बजे होती है और मुझे दोनों में से कोई एक घड़ी चूज करनी है, तो मैं ऑब्वियसली घड़ी ए चूज करूंगा, क्योंकि वहां मुझे एक्यूरेसी चाहिए। लेकिन कोई मुझसे कहता है कि सपोज करो कोई मैराथन हो रही है और ये देखना है कि 40 किलोमीटर दौड़ने में आदमी ने कितना टाइम लिया, तो आदमी 40 किलोमीटर दौड़ेगा तो करीब करीब जैसे अच्छा खराब एथलीट है 2 घंटे या 3 घंटे का टाइम लेगा। ठीक है ना, तो अगर ये घड़ी 24 घंटे में 2 मिनट आगे पीछे हो जा रही है, तो नेटलेट मान लो 4 मिनट आगे पीछे हो जा रही है, तो 3 घंटे में तो 30 सेकंड आगे पीछे हो जाएगी। तो इस एथलीट ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा या नहीं तोड़ा, उसमें 30 सेकंड की अगर मिस्टेक है तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। तो उसका टाइम मेजर करने के लिए हम लोग ये वाली बी वाली घड़ी मेजर करेंगे। ठीक है ना, बिकॉज यहां मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसने 11 बजे से 2 बजे तक 3 घंटे दौड़ा या 12 बजे से 3 बजे तक 3 घंटे दौड़ा, कितनी देर दौड़ा वो मेजर करता। तो ये डिफरेंस है एक्यूरेसी और प्रिसिशन में। ठीक है, उसके बाद एरर्स आ गई। तो बुक में कह रहे हैं एरर्स कई तरह की होती है। ठीक है, तो पहली एरर उन्होंने कही सिस्टमिक। ठीक है, सिस्टमिक का मतलब ये हुआ कि सिस्टम में ही कोई एरर है। ठीक है, सपोज करो जैसे तुमने देखा होगा ऐसा बचपन में लोग पढ़ाते थे कि जो आदमी जो लोग क्या कहते हैं दूध बेचने का काम करते हैं, वो थोड़ा सा नीचे से मार करके अपने दूध के मेजरिंग वाला जो इक्विपमेंट है उसको छोटा कर देते हैं, ताकि क्या कहते हैं 1 लीटर दूध निकालें तो खाली 950 ml दूध है। ठीक है, ये जो एरर है ये सिस्टमिक इंस्ट्रूमेंट ही खराब कर रखा है, खराब हो गया जो भी कारण। दूसरी बात उन्होंने कही कि इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ठीक है, इसके लिए मैं बुक में क्या एग्जांपल दिया कि सपोज करो मुझे किसी आदमी का बॉडी टेम्परेचर लेना है। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर हम जीभ के नीचे थर्मामीटर रख करके भी ले सकते हैं और आर्मपिट में दबा करके भी ले सकते हैं। अब ये ऑब्जर्व किया गया कि आर्मपिट वाला टेम्परेचर हमेशा जीभ के टेम्परेचर से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है। ठीक है, तो यानी कि जो एग्जैक्ट टेम्परेचर है वो जीभ वाला है, आर्मपिट वाला थोड़ा गड़बड़ है। तो कोई डॉक्टर अगर जीव वाले टेम्परेचर की बजाय आर्मपिट वाला ले रहा है तो ये इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, उसने सही जगह पर थर्मामीटर नहीं लगाया इसलिए गलत रीडिंग आ गई, ये इम्परफेक्शन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है। तीसरी एरर है पर्सनल एरर, जिसमें उन्होंने यहां पर पैरालेक्स एरर की बात की है। पैरालेक्स में डबल एल है, पढ़ा रहे हैं पैरालैक्स में पर्सनल एरर है। जैसे क्या कहते हैं, ये क्या कह रहे हैं कि सपोज करो मुझे कोई लेंथ है जो मेजर करनी है। ठीक है, और मैं यहां पर एक स्केल रखता हूं और सपोज करो ये 0 है और ये मान लो कोई लेंथ है मान लो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां पर 11.9 होगा, यहां पर 12.1 होगा। ठीक है, अब अगर मान लो मेरी स्केल थोड़ी मोटी है तो मैं अगर टॉप से यहां से खड़ा होकर के देखूं तो मुझे लेंथ 12 दिखाई देगी, अगर मैं इधर तिरछे वाली साइड से खड़ा होकर के देखूं तो मुझे यही रीडिंग 11.9 दिखाई देगी, और मैं इधर से खड़ा होकर के देखूं तो मुझे यही रीडिंग 12.1 दिखाई देगी। तो वास्तव में इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है, लेकिन चूंकि मैं गलत जगह से खड़े होकर के देख रहा हूं इसलिए ये एरर 11.9 भी रीडिंग आ सकती, 12.1 भी आ सकती। तो ये जो है ये पर्सनल एरर्स में आ गई। ठीक है, पता नहीं तुम लोगों ने इसको कभी ऑब्जर्व किया है कि नहीं, जैसे जब हम लोग केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो जब ब्यूरेट में लिक्विड भरते हैं तो कई बार ब्यूरेट का लेवल बहुत ऊपर होता है या कई बार नीचे होता है। तो आइडियली क्या होना चाहिए, अगर लेवल ऊपर है तो मैं एक स्टूल लगा करके ऊपर चलूं, मतलब जो मेरा ब्यूरेट का लेवल है अगर मेरी आंख यहां पर है तो जो रीडिंग लेगी वही एक्यूरेट रीडिंग होगी,
अगर मैं यहां से खड़ा होकर के रीडिंग देख रहा हूं या यहां से खड़ा होकर के नीचे रीडिंग देख रहा हूं तो एक गलत अर्व आ जाएगी। ये एरन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है। और उसके अलावा इन्होंने फाइनली एक बात कर दी कि रैंडम एरर, ठीक है। रैंडम एरर क्या होगा कि कोई गलती हो गई, जैसे मान लो मैं कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज करके कोई मान लो स्लॉ निकालने की कोशिश कर रहा हूं V=IR और पीछे से जो बिजली की सप्लाई थी वही कम ज्यादा हो गई, तो यानी कि इस चीज को मैं जो मैं इक्विपमेंट समझ रहा था कि मान लो मेरे घर में जो सप्लाई आ रही है वो 220 वोल्ट की है, वो 220 की है 210 वोल्ट की हो गई, इसलिए सिस्टम में कोई एरर आ गई, ये रैंडम एरर में चले गई चीजें। और फाइनली बात करें लीस्ट काउंटर जो कि ऑब्वियसली मेरे इक्विपमेंट की औकात की बात है कि वो कितना अच्छा इक्विपमेंट है। जैसे मान लो मुझे कोई लेंथ मेजर करनी है तो मैं उसको स्कूल वाले ज्योमेट्री बॉक्स से मेजर करूं और तुम उसको वर्नियर कैलिपर से मेजर करो तो मेरे मेजरमेंट में एरर ज्यादा होगी, तुम्हारे मेजरमेंट में एरर कम होगी, ठीक है। ये हो गई हमारी पर्सनल एरर। ये जो है इसके साथ हम लोगों ने जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो खत्म कर लिया। यहां तक जो बात थी वो खाली थ्योरेटिकल थी। अब हम लोग जो मैथमेटिकल पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एक मिनट ब्रीफ करो। जब हम एरर्स की बात कर रहे हैं तो पहली बात तो क्या है, ये जो टॉपिक है ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं जिसमें डिटेल में बातें दे रखी हैं। ढंग से मैं चाहूंगा कि आदमी इसको डिटेल वाला वीडियो ही देखे, पर फिर भी मैं समरी दे दे रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि एरर्स को हम लोग तीन तरीके से डिनोट कर सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर, एक रिलेटिव एरर, एक परसेंटेज एरर। तो उन्होंने क्या कहा कि मान लो मेरे पास कोई रीडिंग है ए जिसको मैं मेजर करता हूं, तो मैं एक रीडिंग लेने के बजाय A1 A2 A3 A4 A5 मान मैं पांच रीडिंग ले लेता हूं, ठीक है। तो फिर मैं इसकी एक एक एवरेज वैल्यू ले लूंगा जो कि सिग्मा AI बाई 5 हो जाएगी, ठीक है। और फिर मॉड ऑफ AI माइनस ए एवरेज, ठीक है, को मैं कह दूंगा डेल्टा AI। ये हर रीडिंग में जो एरर हो जाएगी और इनको ऐड करके अपॉन 5 कर लूंगा तो ये मेरी डेल्टा ए की एवरेज वैल्यू हो जाएगी। इसको मैं एब्सोल्यूट एरर कह सकता हूं। अब इसमें थोड़े से राउंडिंग के फंडे हैं जो कि हम लोग डिटेल वाला वीडियो देखेंगे उसमें काम करेंगे। ये टर्म हो गया एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर अपने आप में मैटर इसलिए नहीं कम करती है बिकॉज सपोज करो मेरे पास कोई इक्विपमेंट है जिसको मैं लेंथ मेजर कर रहा था, इसमें 1 मिलीमीटर की एरर है, तो 5 मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर की एरर बहुत सिग्निफिकेंट है और 50 सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर की एरर बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। तो हम लोग एरर से ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने कैलकुलेशन में रिलेटिव एरर को देते हैं। तो जो रिलेटिव एरर है वो डेल्टा ए बाई ए है, इसको हम लोग रिलेटिव एरर कहते हैं। तो मतलब डेल्टा ए की जो एवरेज वैल्यू है अपॉन ए की जो एवरेज वैल्यू है इसको रिलेटिव एरर बोल देते हैं। और इसको इंटू 100 कर दें, यानी कि दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको परसेंटेज एरर, ठीक। ये एक बात हो गई। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम लोग जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक से ज्यादा चीजें मेजर करते हैं और उनके कैलकुलेशन करते हैं तो किस तरह से एरर्स आगे क्या कहते हैं प्रोपोगेट करती हैं, तो इनको मैंने बहुत अच्छे से एग्जांपल ले लेकर के अपने ओरिजिनल वीडियो में बताया है। लेकिन एक सिंपल सी बातें बता देते हैं, खाली रूल समराइज कर लेते हैं। तो पहली बात तो क्या है, ये कहते हैं अगर z इज इक्वल टू x प्लस y हो या x माइनस y हो तो डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कोई भी हो तो एब्सोल्यूट एरर्स ऐड हो जाती हैं। दूसरी बात कह रहे हैं कि अगर z इज इक्वल टू x y हो या z इज इक्वल टू x बाई y हो तो यहां पर थोड़ा सा कैलकुलस लगानी पड़ेगी। मैं इसको ये बताना चाहता हूं बिकॉज मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। यहां से dz जो हो जाएगा प्रोडक्ट रूल के हिसाब से वो xdy प्लस ydx हो जाएगा, और अगर इधर z से डिवाइड कर लूं और इधर xy से डिवाइड कर लूं तो यहां से आ जाएगा dz/z इज इक्वल टू dx/x, ये वाला टर्म y से y कट के, और प्लस dy/y ये x से x कट के, तो dy/y आ गया। यानी कि जब चीजें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी रिलेटिव एरर ऐड हो जाती है,
अच्छा इंटरेस्टिंगली जब डिवाइड भी करेंगे तो देखो यहां पे z इज इक्वल टू एक्स वाई हो गया, तो यहां पर अगर मैं dz लिखूं तो एक चीज होती है क्वेश्चन रूल, उसकी वैल्यू हो जाती है y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इधर z से डिवाइड करूं और इधर x अपॉन y से डिवाइड करूं तो ये y से y कट जाएगा और यहां पर एक्स वाई रह जाएगा, ये y से y कट गया मतलब दोनों साइड, तो ये हो जाएगा dx अपॉन x माइनस इस बार x से x कट गया dy वाई वाई वाई, ये यहां वाई मुझे काटना नहीं चाहिए था, दो अलग अलग टर्म है। ठीक है, तो dx y x माइनस dy y y हुआ, लेकिन एरर्स तो हमेशा एड ही होती है क्योंकि हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं, इसलिए ये हो जाता है कि डेल्टा z y z इज इक्वल टू डेल्टा x y x प्लस डेल्टा y y y, यानी कि चाहे हम चीजों को एड करें या सब्ट्रैक्ट करें, सॉरी कन्वर्ट बोल गया, चाहे मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें, दोनों ही केस में रिलेटिव एरर्स एड ही हो जाती हैं। अब इसी को चीज को लेकर के कह रहे हैं कि अगर z इज इक्वल टू x टू दी पावर ऑफ n है, ठीक है, तो वास्तव में x इंटू एक्स n टाइम है, इसलिए डेल्टा z बाई z की वैल्यू n डेल्टा x बाई x हो गई। वैसे कैलकुलस की नजर से देखें तो इसका मतलब क्या हो गया, dz की वैल्यू हो जाएगी n x की पावर n माइनस वन dx, और इधर z से डिवाइड कर दूं इधर x की पावर n से डिवाइड कर दूं तो ये dx अपॉन x आ गया, तो n dx अपॉन x आ गया। और अब इन सब चीजों को जनरलाइज करते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिविजन वाले इस रूल को, तो ये निकल करके आ गया कि अगर z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यू अपॉन पी की पावर फोर है, मतलब कुछ मल्टीप्लीकेशन भी कुछ डिवीजन भी है, तो z की वैल्यू डेल्टा z बाई z की वैल्यू ट्वाइस ऑफ डेल्टा x बाई x, क्यों, क्योंकि x की पावर टू थी, प्लस थ्राइस ऑफ डेल्टा y बाई y प्लस फोर टाइम्स डेल्टा p बाई p हो जाएगी, मतलब चाहे डिवीजन हो रहा हो चाहे मल्टीप्लाई हो रहा हो एरर्स एड ही हो जाएंगी, ये मेरा रिलेशन है। अब यहां पर हमने अदर्स, मैंने एक बात लिख ली, इन्होंने दो केसेस और दिए, मैं दो केसेस और डिस्कस करना चाहूंगा, एक एनसीईआरटी में एक एनसीईआरटी के बाहर है, लेकिन मैं फॉर्मूले से कर लूंगा। इन्होंने कहा कि जब आर वन और आर टू पैरेलल में एड होते हैं तो वन बाई आर इज इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू हो जाएगा। ठीक है, अब जब मैं इसमें एनालिसिस करूंगा तो जो मैंने पीछे वाले तीनों रूल निकाले हैं वो एक्चुअली कैलकुलस से निकाले हैं, तो मैं यहां पे क्या कर लूंगा, मैं कह दूंगा कि डी आर अपॉन आर स्क्वायर नेगेटिव, वन बाई आर का डेरिवेटिव माइनस वन बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर वन अपॉन आर वन स्क्वायर नेगेटिव प्लस डी आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, जो कि बेसिकली नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव कट करके डी आर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर वन बाई आर वन स्क्वायर प्लस डी आर टू बाई आर टू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इस चीज को करने का एक दूसरा तरीका है कि मैं इस आर में से एक आर को यहां ले जाकर के मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और इस एक आर को मल्टीप्लाई करने के बाद इस आर की वैल्यू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 लिख दूं, ठीक है, तो इस चीज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस डी आर टू इंटू आर वन अपॉन आर टू इंटू आर वन प्लस आर टू। अभी कोई नया सा ही फॉर्मूला बन गया, ठीक है, तो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि वो जो तीन फॉर्मूले मैंने बताए थे वो किन्हीं स्पेशल केसेस के लिए थे, अल्टीमेटली जो रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर निकालने का तरीका है वो क्या है कि फंक्शन लिखिए, उसको डिफरेंशिएट कीजिए, वहां से डी आर आ जाएगा, ठीक है, मैथमेटिक्स हम लोगों ने भी सीख सकते हैं, हम लोग कैलकुलस कर सकें, और फिर वहां से जो भी डी आर बाई आर की वैल्यू है वही रूल है। अब ये कोई ऐसा रूल हमको सिखाया नहीं गया था लेकिन यही अल्टीमेट रूल हो गया, ठीक है ना, तो मैं यहां से डी आर वाई आर को रिलेटिव एरर लिख लूंगा जो कि मेरे किसी भी पुराने फॉर्मूले में बैठती नहीं। इसी से मिलता जुलता एक
सवाल मैं और कराना चाहूंगा कि सपोज करो कोई एग्जांपल हो, जिसे मान लो वो y इज इक्वल टू ए साइन x, ये मान लो ए साइन, हाँ ए साइन x सॉरी, ठीक है, जहां पे a और x दोनों ही वेरिएबल हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं ले लूंगा dy इज इक्वल टू डी ए इंटू साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन कर दिया। अब यहां पर dy बाई y लिखने के लिए इधर a साइन x से डिवाइड कर दिया, इधर a साइन x से डिवाइड कर दिया, तो मेरा फॉर्मूला क्या जाएगा, dy बाई y इज इक्वल टू डी ए बाई ए प्लस कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहां पर dx बाई x नहीं आया, अब यहां पे कॉट एक्स बाई dx, यहां पे कैलकुलस दूसरी तरीके से चलेगी, तो फंडामेंटली जो एरर एनालिसिस है वो कैलकुलस के हिसाब से चलनी है। बस एक छोटी सी बात ध्यान देनी है कि अगर अगर मान लो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल यहां पर ये साइन एक्स की जगह कॉस एक्स होता तो यहां पर तो ये कट करके सेम चीज रह जाती, लेकिन यहां पर न्यूमरेटर में माइनस टैन एक्स बन जाता, क्योंकि न्यूमरेटर में कॉस एक्स डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हो जाता, तो मैं इसको माइनस टैन एक्स ना लिख करके प्लस ऑफ मॉड ऑफ टैन एक्स डी एक्स लिख देता, बिकॉज इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि टैन एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एरर हमेशा एड ही होनी है, ठीक है। तो अगर मान लो टैन एक्स पॉजिटिव है तो प्लस टैन एक्स डी एक्स, और अगर टैन एक्स नेगेटिव है तो माइनस टैन एक्स डी एक्स, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एरर में, मैं एक्स में एरर करूं तो मेरी वाई में एरर कम होने लगे, ठीक है ना, मतलब सोचो तो मतलब गड़बड़ी हो जाए तो ज्यादा एरर करके एक्यूरेट कर लेंगे, है ना, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि मैं जो भी काम करूंगा ये दोनों टर्म अपने आप में पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। इसी चीज से मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद आ गई, जो कि क्या कहते हैं एनसीईआरटी में एक सॉल्ट एग्जाम्पल के फॉर्म में है, और ये बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, जेई मेन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा कि किसी टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई रूट एल बाई जी, ठीक है। तो यहां पर 2 पाई तो कांस्टेंट है, उसमें तो कोई एरर है नहीं, तो जितना चाहूं उतना एक्यूरेसी निकाल सकता हूं, तो यहां से रिलेशन आता है डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा जी बाई जी बाई टू, हाफ ऑफ डेल्टा जी बाई जी। ये जो फॉर्मूला है ये सही है अगर हम लेंथ और जी की वैल्यू यूज करके टाइम पीरियड निकाल रहे होते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी में एग्जांपल है उसमें क्या कर रहे हैं कि लेंथ गिवन है और कई बार ऑसिलेशन करके टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, और लेंथ और टाइम पीरियड का यूज करके यहां से जी निकाल रहे होते हैं, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख देते हैं कि डेल्टा जी बाई जी टू उधर भेज दूं इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी बाई टी माइनस डेल्टा एल बाई एल, और ये रिजल्ट गलत है क्योंकि डेल्टा जी बाई जी कैन नॉट बी माइनस ऑफ डेल्टा एल बाई एल, फिर तो क्या हो, जितना ज्यादा लेंथ में एरर करो उतना ही मेरा आंसर एक्यूरेट हो रहा है, ये बात गलत हो जाएगी। तो अगर मुझे लेंथ और जी से टाइम पीरियड निकालना है तो मैं इस रिलेशन को लिख करके डिफरेंशिएट करके रिजल्ट निकालूंगा, अगर मुझे लेंथ और टी से जी निकालना है तो मैं ये फॉर्मूला यूज ही नहीं करूंगा, मैं इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर लिखूंगा, और फिर यहां से लिखूंगा डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी बाई टी, यानी कि जो चीज मेजर कर रहे हैं उसको बाकी सारे पैरामीटर के टर्म में लिख करके वहां पे एरर लिखेंगे ताकि ये टर्म हमेशा पॉजिटिव आए। इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले कोई गलती नहीं है, बस खाली एक ही गड़बड़ है, माइनस डेल्टा एल बाई एल लिख दिया, तो जो कि ऑब्वियसली गलत बात हो।